अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातो। हर किसी को बेसब्री से इंतज़ार था कि कंदोरी कौन सी तारीख को होगा और कौन से दिन को होगा। वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है। एतवार के दिन कंदोरी कमेटी ने और बहुत सारे ज़िम्मेदार लोगों ने मखदूम दादा के दरबार में सलाह मशवरा करके एक तारीख फिक्स किया है, 11 अक्टूबर, जो भूत का दिन आ रहा है। और जगह तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि दादा के दरबार में ये कंदूरी मनाई जाएगी, जो 9 साल के बाद फिर एक बार हमारे कुर्ची गांव में दादा के दरबार में कंदूरी होनी जा रही है। और साथ ही साथ मैं कंदूरी कमेटी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिन्होंने दिन रात मेहनत किया, एकजुट होकर काम किया, जिन लोगों को जो भी ज़िम्मेदारी दी थी उस ज़िम्मेदारी को बड़ी ईमानदारी से उन्होंने निभाया। और साथ ही साथ जिन लोगों ने, जिन फैमिलों ने जो अमाउंट दी है, किसी को उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया, जो अपने हैसियत के हिसाब से जो भी रकम है उन्होंने उस रकम को लिया कंदूरी कमेटी ने। और कई सालों से जो भी कंदूरी के जो भी रस्म है उस रस्म को पूरी तरह से अदा किया, चाहे किसी भी दरबार में मालिदा बनाने का हो, चाहे मखदूम दादा से निशान जाने की बात हो, चाहे हज़रत मासाहिबा के दरबार में खिचड़ा लुटाने की बात हो, जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने जो रस्म अदा करते आए हैं वैसे ही रस्म हमने अब तक तो अदा करते आ रहे हैं। और इस कंदोरी में बढ़ चढ़ कर हमारे कुर्ची के तमाम फैमिलियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, जैसे कि पीरजादे फैमिली, बिच्छू फैमिली, पटेड फैमिली, रड्डी फैमिली, बागिया फैमिली, मखदूम बड़े फैमिली, काले मुंडासे फैमिली, चमन शेख फैमिली, जीना बड़े फैमिली, मारूफ फैमिली, सत्तार फैमिली, लश्करी फैमिली, चमन मलिक फैमिली, रुकुंदी फैमिली, नसरदी फैमिली, संदर वाले फैमिली, अलाल खान फैमिली, पालेगार फैमिली, बाक्सराज फैमिली, जहांगीर फैमिली, सजन फैमिली, मल्लाड़ी फैमिली, अबू फजल फैमिली, रोले फैमिली, पिंतोड़ फैमिली, वाटे फैमिली, अजीज़ खान फैमिली, जागीरदार फैमिली, पठान फैमिली, उस्ताद फैमिली, पालेगार फैमिली, सुनीचड़ी फैमिली, ढंगिया फैमिली, दुंडिया फैमिली, ओमने फैमिली, ढोपरे फैमिली, आशी फैमिली, पटेल फैमिली, अत्तार फैमिली, जातकर फैमिली, मुजावर फैमिली, शेख फैमिली, मकानदार फैमिली, व्यापारी फैमिली, तंबौली फैमिली, और हिंदू कास्ट के भी हर धर्म के लोगों ने इस कंदोरी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तब जाके ये कंदोरी एक कामयाबी की तरफ बढ़ती जा रही है। इस कंदोरी में एक एकड़ वाला ने भी पैसा दिया है, 100 एकड़ वाले ने भी पैसा दिया है, झोपड़ी वाले ने भी पैसा दिया है, शिलाब के घर वाले ने भी पैसा दिया है, डॉक्टर भी पैसा दिया है, तोड़पा भी पैसा दिया है, टीचर भी पैसा दिया है और वॉचमैन भी पैसा दिया है। हर किसी ने अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से पैसा दिया है, मगर सबकी नियत एक ही है, सबका मकसद एक ही है, सबका इरादा एक ही है कि अपने खुदा को राज़ी करे। और हमारे गांव में जब भी बरसात का मौसम आए उसकी रहमत हमेशा बरसे और हमारा गांव हमेशा हरा भरा रहे। सिर्फ सारे लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है। मैं तमाम मेरे कुर्ची वालों से गुजारिश करना चाहता हूं कि 11 अक्टूबर को हम सब मिलकर एकजुट होकर इस कंदोरी को कामयाब बनाए। और ख़ास करके हमारे नौजवान भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं कि उस दिन सबसे आगे आप रहे, क्योंकि हम सब मिलकर एकजुट होकर अगर करेंगे हमारा तमाम कुर्ची के औले करम का करम होगा। और जो नियत लेकर हम महीने से जो तैयारी कर रहे हैं कंदूरी को लेकर,
इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसे कामयाब ज़रूर बनाएगा। और साथ ही साथ हमारे कुर्ची से जितने भी बाहर रहने वाले हैं, चाहे मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, बेंगलोर, हुबली, कोल्हापुर, बहुत सारे ऐसे हैं जो कुर्ची से बाहर रहते हैं, उन लोगों से मैं आजीज़ाना गुजारिश करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 11 अक्टूबर को बूथ के दिन पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि हम सब मिलकर इस नियत को बनाए हैं, तंदूरी की नियत लेकर हमने जो नियत किया है उसे हम कामयाब करें।